हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राइड विद अन। तो आज का जो वीडियो है ना, ये है स्टील बार्ट एरोनॉटिक्स का एक हेलमेट जो काफी ज्यादा खास है ठंडे के मौसम के लिए। तो क्या खास है वो मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले ये कुछ पैकेज आया था, एक्चुअली पूरा बॉक्स ही आया था। ये देख सकते हो इस तरीके से बॉक्स से आया था, एंड ये रहा हेलमेट। इसके साथ क्या क्या मिलता है वो भी मैं दिखाता हूँ। तो ये एक बैग मिल जाता है जो बहुत जरूरी है, एंड जो हेलमेट है ना वो आप अगर देखोगे तो आपको ये देखो, ये तो सबसे पहले बताओ कैसा लग रहा है। तो ये है स्टील बार्ट एरोनॉटिक्स SA2 मॉडल, काफी ज्यादा खास है ना। ये देखो, इसका जो खास बात है ना, ये देख सकते हो, ये ठंडे मौसम के लिए ना ये बहुत जरूरी होता है। एक्चुअली मैं जब भी राइड करता हूँ ना ठंडे मौसम में, तो मेरे को गले में बहुत हवा लग जाता है, तो इसीलिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जो होता है ना मफलर में लगा के चलता हूँ। तो इस तरीके का चीज बहुत मुझे हेल्प करेगा मेरे राइड को आगे कंप्लीट करने में, बिकॉज मैं एक बड़े राइड पे जाने वाला हूँ। हर साल की तरह इस साल भी बोल रहा हूँ, बिकॉज हर साल मतलब दो साल तो ऐसे ही कोविड के लिए चला गया, इस साल तो ज़रूर करेंगे। और हाँ, जो लोग ओला स्कूटर के बारे में जानना चाहते हो, वो लोग ऐसा मत समझो कि मैं सिर्फ ओला स्कूटर के ऊपर ही वीडियो बना रहा हूँ। एक्चुअली मेरे पास और भी दो बाइक है, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाता हूँ, एंड मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं आप लोग के साथ शेयर करता हूँ। तो आगे मेरा राइड होने वाला है, मैं ऑलरेडी भूटान सीरीज करके आया, उड़ीसा, पुरी, ऐसा बहुत सारा राइड है मेरे चैनल में। मैं आई बटन में दे देता हूँ, आप लोग को अगर पसंद है तो एक बार चेकआउट कर सकते हो। तो ये स्टील बार्ट का एरोनॉटिक्स AS2 हेलमेट है, एंड आप लुक्स के हिसाब से देख सकते हो। मेरे पास तो बहुत पहले आया था, एंड इसके साथ ना ये फिल्म मैं उतार देता हूँ। ये देखो, इसको उतारने में ना बहुत मजा आता है। ये जो वाइजर है ना, ये एंटी फॉग वाइजर के साथ आता है, तो ये आप अंदर देख सकते हो। एंटी फॉग का जो सिस्टम होता है वो अंदर इंस्टॉल करा हुआ है, आपको अगर नहीं चाहिए तो इसे उतार भी सकते हो। ये सही मार्क है इसमें, एंड जो लुक से काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है। इसका जो वेट है 1350 ग्राम, ठीक ठाक है, मतलब लॉन्ग टूर के लिए इस टाइप का हेलमेट जरूरी है। इसका आगे और एक रिव्यू लाऊंगा, बिकॉज हाई स्पीड में ये कैसा परफॉर्म करता है ये बहुत जरूरी है। हाई स्पीड मतलब मैं तो 80 से 90 ही हाई स्पीड मानता हूँ, उससे ज्यादा नहीं। तो उसमें इसका परफॉर्मेंस एक बार चेक कर लेंगे। लॉक जो काफी इजी टाइप का है, ये काफी ज्यादा सही है, अभी लॉन्ग टर्म में इसे यूज करेंगे, उसके बाद और एक रिव्यू देंगे। ये चीज मैंने दूसरे हेलमेट में अभी तक तो नहीं देखा, वो है ये है वाइजर को लॉक करने के लिए। ये वाइजर ओपन एंड ये लॉक हो गया, तो ये मुझे काफी सही लगा, तो मैं रिमूव भी कर सकता हूँ। ये विंटर सीजन में आपको बहुत हेल्प करेगा। इसके अंदर जो पैडिंग है प्रॉपर विंटर के लिए बना हुआ है, बिकॉज इसके साथ और भी कुछ मिलता है, और एक बक्सा मिलता है इस तरीके से। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है ना एक्स्ट्रा पैडिंग है नॉर्मल वेदर के लिए। ये देखो, इसका जो AR सीरीज का है ना काफी ज्यादा सही है, बिकॉज उसके अंदर भी प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए जगह दिया गया था, और इस पे भी दिया गया है, एंड इसको ओपन करना काफी ज्यादा इजी है। तो ये यहाँ पे प्रॉपर चेन दिया गया है, ये देखो, फिट एंड फिनिश है, काफी अच्छा है। कुशनिंग तो पहले भी अच्छा था, अभी भी अच्छा ही है। ये हेलमेट का लिंक मैं नीचे शेयर कर रहा हूँ, आप लोग को अगर स्टील बार्ट का कोई भी हेलमेट खरीदना है तो आप परचेस कर सकते हो। देखिए अभी के सिचुएशन में ना सेफ्टी बहुत मायने रखता है, तो फुल हेलमेट लेना तो बनता ही है। तो आप लोग को अगर पसंद है तो जरूर से एक ले सकते हो अपने लिए, एंड किसी दोस्त के लिए भी ले सकते हो।
तो ये वीडियो आप लोग को अगर पसंद आता है तो जरूर से लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। चलो बाय बाय।